वीडियो खबरें तुरंत पाने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें। सत्ता पाने के लिए नेता जनता को तरह तरह का लालच देते हैं, ऐसा ही लालच कांग्रेस के नेता उमराव सिंह गुर्जर ने नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारियों को दिया। जब मीनाक्षी नटराजन चुनावी मौसम में मंडी व्यापारियों से सौजन्य भेंट करने पहुंची थी, सुनिए क्या बोले उमराव सिंह गुर्जर। अगर पूरा व्यापारी संघ ये लिख के दे देता है कि हम सब लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं मेरी तरफ से, कि आप मांगे हम मनवा के ही रहेंगे। अगर पूरा व्यापारी संघ ये लिख के दे देता है कि हम सब लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं मेरी तरफ से, कि आप मांगे हम मनवा के ही रहेंगे। अगर पूरा व्यापारी संघ ये लिख के दे देता है कि हम सब लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं मेरी तरफ से, कि आप मांगे हम मनवा के ही रहेंगे। विश्वास करना इस बात का, मैं आप लोगों के बीच रहा हूँ, मेरी बात का मानते हो, मानते हो, कोई गलत काम आप लोगों के साथ नहीं किया मैंने, लेकिन इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास आपको भी इस बात का दिलाना पड़ेगा कि चुनाव में हम सब लोग आपके साथ। जब 15 साल से हमारे व्यापार को नष्ट किया जा रहा था, पिछले 5 साल से व्यापारियों के खिलाफ पेट से भार से आयात करके व्यापारियों को, किसानों को यहाँ पे तंगेड़ा का काम किया, इन सबके बाद भी हम राजनीतिक गुलामी से अगर बाहर नहीं आ सकते, तो निश्चित रूप कहीं हम लोगों की ये मानसिक कमजोरी होगी। हमको ये बुद्धिजीवी मानते हैं लोग, और पढ़े लिखे व्यापारी से हैं, और आप अपना फायदा नहीं चाहते, अपने बच्चों का फायदा नहीं चाहते, अपने शहर का फायदा नहीं चाहते, इस राजनीतिक जिंदगी में आप लोगों को बाहर कोई नहीं निकल सकता।